दरअसल पुलिस का मानना है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद जमीन की सतह को पकड़कर फायर हो सकती है, लेकिन रिवॉल्वर खड़ी होकर ऊपर की दिशा में सीधे घुटने पर गोली कैसे चल सकती है। गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी कर कहा, मैं आप सबके आशीर्वाद से ठीक हूँ। गलती से गोली चल गई थी जिसे ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। डॉक्टर और आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। गोविंदा के हाथों खुद के पैर में ही गोली लगी। हादसे के बाद गोविंदा को अस्पताल ले जाया गया। एक्टर ने अपने शुरुआती बयान में बताया कि वह रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, उस दौरान रिवॉल्वर गिर गई और गोली उनके पैर में लग गई। पुलिस को गोविंदा के इस थ्योरी पर शक हो रहा है। मंगलवार को गोविंदा के हाथों गलती से खुद के ही पैर में गोली लग गई। गोविंदा की हेल्थ ठीक है और आज उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। गोविंदा की पत्नी सुनीता अहुआ का कहना है कि डॉक्टर उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर घर जाने की परमिशन भी दे देंगे। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें 3 से 4 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया है। इसके बीच पुलिस भी इस मामले में गोविंदा के परिवार से बातचीत कर रही है। पुलिस ने एक्टर की बेटी टीना का बयान भी दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस गोविंदा के शुरुआती बयान से संतुष्ट नहीं है। दरअसल पुलिस का मानना है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद जमीन की सतह को पकड़कर फायर हो सकती है, लेकिन रिवॉल्वर खड़ी होकर ऊपर की दिशा में सीधे घुटने पर गोली कैसे चल सकती है। पुलिस को ये थ्योरी हजम नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि रिवॉल्वर हाथ में ही रहते हुए फायर हो गई हो, लेकिन ऐसा होता तो गोविंदा इसी बात को छुपा रहे हैं, और अगर ये सच है तो कौन सी बात है। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पुलिस ने गोविंदा का शुरुआती बयान तो ले लिया था, लेकिन अब पुलिस एक्टर के फाइनल बयान का इंतजार कर रही है। पुलिस के ऐसे कई सवाल थे, इन सवालों को गोविंदा ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसे में दोबारा बयान लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीचे गिरते समय रिवॉल्वर खुद ट्रिगर कैसे हुई। अगर नीचे गिरकर रिवॉल्वर का ट्रिगर खुद दब गया तो जमीन की सतह को पकड़कर फायरिंग हो सकती है। पुलिस को अभी तक अपने सभी सवालों का जवाब नहीं मिला है।